हेलो गाइस, लेट्स हैव अ रियलिटी चेक टुडे विद जेनिफर। एक्चुअली जेनिफर एक यूएस की नेटिव हैं और उनसे मैंने प्रॉपर कंफर्म किया है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मतलब रिलायबल सोर्स से, विश्वसनीय सूत्रों से मैंने ये पता किया है। तो जब भी हम बोलते हैं ना कि पूछने में क्या जाता है, ये करने में क्या जाता है, तो इसका प्रॉपर ट्रांसलेशन होगा, या हम बोल सकते हैं कि नेटिव जो यूज करते हैं इसकी जगह, वो होगा व्हाट्स द हार्म इन आस्किंग, व्हाट्स द हार्म इन गोइंग देयर, वहां जाने में क्या बुराई है, राइट, इस तरीके से। पर कई लोगों को देखा है मैंने इस सेंटेंस को बताते हुए, व्हाट गोज इन आस्किंग, व्हाट गोज इन डूइंग दिस, राइट। बट ये नेचुरल नहीं है, नेटिव ऐसा यूज नहीं करते हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये खुद नेटिव स्पीकर्स बोल रहे हैं। आप इनका जो मैसेज है वो पढ़ सकते हैं जेनिफर का। अब बात आती है कि व्हाट गोज को हम कैसे यूज करते हैं। तो इन्होंने बताया है, देखिए, जब हमको बोलना रहता है ना कि ये इसके साथ नहीं जाएगा, क्या ये इसके साथ जाएगा, मतलब सूट होगा कि नहीं, तब बोला जाता है। जैसे कि क्या ये इयररिंग इस ड्रेस के साथ जाएगी, विल दिस इयररिंग गो विद दिस ड्रेस, दिस शूज डजंट गो विद दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, दिस रेड वाइन गोज विद दिस फिश, इन्होंने बताया है ये एग्जाम्पल, राइट। तो मतलब इसके साथ जाएगा कि नहीं, सूट करेगा कि नहीं, इस सेंस में हम बोलते हैं। अब जो आप बोल रहे हैं ना, व्हाट गोज इन आस्किंग, व्हाट गोज इन डूइंग दिस, ऐसा नहीं बोलते हैं, मतलब नेटिव नहीं बोलते हैं। और एक फ्रेज होता है गोज इन टू, तो गोज इन टू तब बोलते हैं जब हमको ये बोलना रहता है कि कितना एफर्ट लगेगा, क्या एफर्ट लगेगा, क्या रिक्वायर्ड है किसी चीज को करने में। फॉर इंस्टेंस, अ लॉट ऑफ एफर्ट गोज इन टू प्रिपेयरिंग अ केक, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है केक बनाने में। तो इसमें हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या बुराई है, क्या हार्म है, राइट, व्हाट इज रिक्वायर्ड, हम ये बोल रहे हैं। व्हाट गोज इन टू प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब कितना एफर्ट लगता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, ये आप बताओ, व्हाट गोज इन टू, क्या लगता है, राइट। तो इस तरीके से हम बातें करते हैं। ये एक दो सेंटेंस और आप पढ़ सकते हैं गोज इन टू का यूज हम कैसे करते हैं। अब मेरा ये रहता है ना कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं नेटिव से बात करके कंफर्म करूँ कि एग्जैक्टली वो क्या बोलते हैं। अब हम इंडियंस का ये रहता है ना कि हम डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देते हैं, या हम बहुत सारे ट्रेनर्स से, बहुत सारे लोगों से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें लगता है वो सही है। बट ठीक है, एरर मुझसे भी होता है, बट आई मेक श्योर दैट आई कंफर्म इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, फ्रॉम द नेटिव स्पीकर्स देमसेल्फ, सो दैट मैं सही बोलूं और मतलब नेचुरल इंग्लिश हो, राइट। अब देखिए, व्हाट गोज इन आस्किंग आप बोल दोगे तो चल तो जाएगा, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। बट अगर किसी, आप अच्छे इंसान से बात कर रहे हो, नेटिव स्पीकर से बात कर रहे हो, सो इट कैन क्रिएट मिसकम्युनिकेशन। So there is a room for miscommunication when you use this phrase. So it's better to stick with the original phrase, right? What's the harm in asking? All right? So choice is yours. आपको क्या use करना है? मैं तो हमेशा यही use करती हूँ, what's the harm? अब आपको मेरी बातें सही लगी, अच्छी लगी, knowledgeable लगी, so share it to others, भाई। लोगों को पता होना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है, right? ऐसे amazing content के लिए do subscribe us and don't forget to press the bell icon. Thank you so much for giving your precious time to me and listening to me. Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.